रानीगंज और जमुरिया को मिलाकर रानीगंज को नया महकमा बनाने की मांग पर सीपीएम की तरफ से नागरिक कन्वेंशन दिया गया। शनिवार की शाम शहर के तारबंगला के निकट आयोजित इस कन्वेंशन में पहुंचे तमाम सीपीएम नेताओं ने एक स्वर में रानीगंज को नया अनुमंडल बनाए जाने की मांग रखी। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे वरिष्ठ सीपीएम नेता एवं विधायक सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि समस्त जनता चाहती है कि रानीगंज और जमुरिया को मिलाकर रानीगंज को नया महकमा बनाया जाए। इस कन्वेंशन के जरिए आम जनता की मांग को उठाया जा रहा है। समग्र आसनसोल महकुमा इलाकार मानुष तादेर निजेदेर कथा वास्तवेर कथा ता प्रतिध्वनित होयेछे आजकेर एई कन्वेंशनेर प्रस्तावे मध्य सहज জেলাটা ভার হয়েছে অসন্তোষ কমিশন বহু আগে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটি মারফত তখন সিদ্ধান্ত হয়েছে সে অনুযায়ী জেলাগুলো আস্তে আস্তে ভাগ হচ্ছিল আর পরে সে কথা আসবে জেলাটা ভাগ হলো কিন্তু তারপর তার পরিষেবাটা আমাদের বাড়লো কম কেন বাড়লো কেন জেলায় দুটো মহকুমা একটা মহকুমা 10 লাখের আর একটা মহকুমা 30-20 লাখের ওপর 20-21 লাখ হবে আসানসোল এত বড় একটা মহকুমা রাখলে যে কারণে জেলাটাকে ভাগ করা সেই পারপাসটা কি আমাদের সার্ভ হতে পারে। বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী নে কহা কি इससे पहले तृणमूल सरकार ने वर्धमान जिले का विभाजन कर पूर्व एवं पश्चिम वर्धमान जिले का गठन किया था, लेकिन अभी तक दोनों जिलों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो सका है और नागरिक परिसेवा में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। रानीगंज जमुरिया के लिए एक नूतन महकुमा गढ़े तोलार कोनो विकल्प नहीं কোন বিকল্প থাকতে পারে না এটা আমাদের সার্বিক দাবি সার্বিক মনোভাব বামফ্রন্ট প্রস্তাব করেছে কিন্তু প্রস্তাবটা সমগ্র মানুষের প্রস্তাব এই মনোভাব থেকে আপনারা এসে গ্রহণ করবেন আমার ধারণা এক্ষেত্রে আমাদের কোনো বিরক্তির কারণ নেই জিনিস সময় আসলে তিনি ওই প্রস্তাবে থাকতে পারেন থাকতে পারেন রানীগঞ্জ জামুরিয়া মানে না জামুরিয়ার নাম চুরুলিয়ার কারণে জামুরিয়ার নাম গোটা দেশের লোক জানে। पूर्व सांसद और सीटू के जिला महासचिव बंस गोपाल चौधरी ने कहा कि रानीगंज को नया महकमा बनाए जाने की मांग लंबे समय से हो रही है। बाम मोर्चा में आम जनता द्वारा उठाई जा रही मांग को आगे ले जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आसनसोल नगर निगम के विलय होने के बाद रानीगंज और जमुरिया की सबसे ज्यादा उपेक्षा की गई है और इन दोनों प्राचीन नगर पालिका क्षेत्रों को वंचित रखा गया है। जे दावी होच्छे जे रानीगंज एवं जमुरियार मानुषे अंतरे आछे सेई दावी के निये बामफ्रंट के एगिए थाका सबथेके जरूरी आर आमरा मानुषेर दावी के निये आमरा जे काज करते चाई सेई काजेर साथे एके आमरा जुक्त करते चाई एई जन्य जे एखन सबथेके वंचित এলাকা আমি বলবো এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে আমি দারিদ্র্যের দিক থেকে আমি বলবো না আমি অন্য পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে কোনো তুলনায় আমি বলবো না কিন্তু এই বঞ্চনার শিকার হচ্ছে রানীগঞ্জ এবং জামুরিয়া। যেদিন থেকে আসানসোল কর্পোরেশন রানীগঞ্জ এবং জামুরিয়াকে যুক্ত করে নিয়েছে আসানসোল কর্পোরেশনের সঙ্গে যারা ছিল পৌরসভা 2015 সালে যখন হঠাৎ করে কর্পোরেশন তৈরি হলো যেটা সাধারণ মানুষের কথা এটা দল মত নির্বিশেষে আমি বলছি মানুষ এটা মানতে পারেনি যে রানীগঞ্জ পৌরসভা উঠে চলে যাবে কোন একটা জায়গায় তাই বলে কি আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের বিরোধী কখনো বিরোধী না। सीपीएम नेताओं ने कहा कि सन 1876 में रानीगंज नगर पालिका और वर्ष 1995 में जमुरिया नगर पालिका का गठन हुआ था, लेकिन करीब 4 साल पहले तृणमूल कांग्रेस सरकार ने रानीगंज व जमुरिया नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त कर उसका विलय आसनसोल नगर निगम के साथ कर दिया। इस अवसर पर माकपा के जिला सचिव गौरांग चैटर्जी, विधायक रोनू दत्ता, पूर्व मेयर तापस राय, पूर्व चेयरमैन अनूप मित्रा, तापस कवि और पार्थ मुखर्जी विशेष रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू जादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।